वेलकम टू ऑल फ्लोलॉक्स फैमिली। इस वक्त दोस्तों मैं हूँ तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई के चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, जिसका ऑफिशियल नेम है पुरातत्वी थलाइवर डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जी आर जो कि एक तमिलनाडु के बहुत ही जाने माने हस्ती थे, कई बार से वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, उसकी अपनी यात्रा ना यहीं से होने वाली है। 9 MGR चेन्नई सेंट्रल छपरा गंगा कावेरी एक्सप्रेस में। इनिशियली ये ट्रेन ना चेन्नई से बनारस को कनेक्ट करा करती थी, लेकिन बाद में इसका एक्सटेंशन करके गाजीपुर बलिया के रास्ते बिहार के छपरा तक कर दिया गया है। तो आज इसमें हम एंड टू एंड ट्रैवल करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक पूरा डिटेल रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ओल्डेस्ट ट्रेन और पॉपुलर ट्रेन है इस रूट की है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ना साउथर्न इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, इसे द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। और ये जो इलाका है ना जहाँ पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ये ना मतलब एक मेजर ट्रांसपोर्ट हब है यहाँ का। यहाँ पे बस स्टैंड भी है, यहाँ पे चेन्नई सब अर्बन रेलवे स्टेशन भी है, पीछे चेन्नई सेंट्रल है ही, और यहाँ देखिए जस्ट मेरे पीछे है चेन्नई मेट्रो, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। ग्रीन लाइन और चेन्नई मेट्रो की ब्लू लाइन दोनों यहीं से स्टार्ट होती है। तो चलिए सीधा चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। देखो ये सब अर्बन रेलवे स्टेशन है, इस साइड है चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन, रोड क्रॉस करते ही इधर अपना मेन रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ रेलवे स्टेशन पर आपको KFC, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सब रेस्टोरेंट मिल जाएगा। देखिए ऊपर बिरयानी का भी शॉप है, IRCTC फूड ट्रैक भी है, ATM भी मिल जाएगा आपको। इस साइड देखिए ये है जनरल वेटिंग हॉल, मतलब एक तरह से ओपन वेटिंग हॉल है ये, जहाँ पे लोग आके आराम से बैठे हैं। इधर चार्जिंग वगैरह की भी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। देखिए साउथर्न इंडिया में आए और फिल्टर कॉफ़ी ना पिए तो कैसे बात हो सकती है। मेरे को पीछे दिख गई मद्रास कॉफ़ी हाउस, जो कि ना एक बहुत ही पॉपुलर आउटलेट है साउथर्न इंडिया में, आपको हर जगह मिल जाएगी। तो यहीं से चलते हैं, एक फिल्टर कॉफ़ी लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बिल मिल जाएगा, बाय IRCTC के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है। फिल्टर कॉफ़ी का प्राइस 35 रुपीज़ है, स्पेशल टी का प्राइस 35 रुपीज़ है। चलिए तो आप कॉफ़ी को टेस्ट कर लेते हैं, और सच में यार टेस्ट तो वही ऑथेंटिक साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी का आ रहा है। तो यार इसलिए ना 35 रुपीज़ लिए हैं, तो भाई टेस्ट है, मतलब दम है। वरना नॉर्मल आपको फिल्टर कॉफ़ी 15 या 20 रुपये की भी मिल जाती है अगर आप किसी लोकल दुकान से लें, लेकिन ये IRCTC का है तो आप समझ सकते हैं थोड़ा रेलवे स्टेशन पर भी है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। टर्मिनल रेलवे स्टेशन वो होता है जहाँ पे ट्रेन सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आ सकती है और जा सकती है, और यहाँ पीछे देख सकते हैं डेड एंड है, मतलब इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। तो जब लोकोमोटिव आता है ना, डीकपलिंग की जाती है, पीछे दूसरा लोकोमोटिव लगाया जाता है, वो ट्रेन को आगे लेके जाता है, उसके बाद ट्रेन लोकोमोटिव लेके आया होता है ना, उसके बाद वो जाता है। हमारी गंगा कावेरी एक्सप्रेस आज निकलने वाली है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, और जैसे कि मैंने आपको बताया भाई वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन है, तो इसमें स्लीपर क्लास में तो आपको इजिली टिकट नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अब साउथ इंडिया का सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल, तो यहाँ पे आपको ना हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे प्रीपेड AC वेटिंग हॉल है, नॉर्मल AC वेटिंग हॉल है, नॉर्मल वेटिंग रूम है, AC डोरमेट्री है, रिटायरिंग रूम है, और तो और अभी इधर ना हाल ही फिलहाल में एक एग्जीक्यूटिव लाउंज भी खुला है, जिसमें मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर उसमें आपको एक घंटा बैठना है ना, तो फ्री टी कॉफ़ी के साथ आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन पर आवर पे करना होता है। अभी चेन्नई रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकली ही नहीं है, और आप ये देख सकते हैं गंगा कावेरी एक्सप्रेस का जनरल क्लास ओवर पैक्ड हो चुका है, पैक्ड छोड़िए ओवर पैक्ड हो गया है, और अभी ये बहुत बुरा हाल होगा इसका आगे जाके। ये रहा आज का अपना कोच, AC 3 टायर में अपनी जर्नी होने वाली है, कोच नंबर B3। चलिए अंदर चल के देखते हैं इसका इंटीरियर। सो ट्रेन का मेंटेनेंस साउथर्न रेलवे करता है, तो एंट्री लेते साथ ही यहाँ देखिए मैट्स दिए गए हैं, इधर वॉश बेसिन है, इधर देखिए बेडरोल है जो कि आते वक्त यूज़ होगा। चलिए तो कोच के अंदर चलते हैं, और भाई कोच तो पहले इंप्रेशन में काफ़ी क्लीन है। ये रहे अपनी सीट, साइड अपर बर्थ आज होने वाली है, 40 घंटे तक यही अगला मेरा घर होगा। ऑन टाइम 5:40 पर हमारा डिपार्चर हो चुका है MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। MGR चेन्नई सेंट्रल से छपरा के 2339 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसे कवर करने में लगता है 39 hours 55 मिनट, और जिस दौरान ये ट्रेन 21 हॉल्स पे रुकती है।
MGR Chennai Central New Delhi Grand Trunk Express getting shunted on MGR Chennai Central Railway Station. Grand Trunk Express ना सिर्फ चेन्नई की ही, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन है इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की। पहले ये ट्रेन है MGR Chennai Central से चलकर के पाकिस्तान के पेशावर तक जाया करती थी। इस वक्त हम अपने जर्नी के सबसे फर्स्ट हॉल्ट आंध्र प्रदेश के गुडूर के गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। गुडूर जंक्शन है एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन ना आगे काटपाड़ी की तरफ चल जाती है, जहाँ से आप तिरुपति और अरकाकुलम की तरफ जा सकते हैं। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब ट्रेन आके हॉल्ट लेती है और कई सारी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी करती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा अराइवल हुआ है। गुडूर जंक्शन का स्टेशन कोड है GDR। यहाँ पे हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी 7:38 के, 2 मिनट का यहाँ पे गंगा कावेरी एक्सप्रेस का हॉल्ट है। यहाँ शीर्षधरी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है गुडूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। गुडूर जंक्शन ना आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये सर्व करता है गुडूर टाउन को और आसपास के इलाके को। गुडूर के अगर कुछ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, तो वो यहाँ के लेमन यानी कहें नींबू को। तौर पे ना सदर्न इंडिया के स्टेशन काफ़ी साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन मेरे को गुडूर जंक्शन ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। ये देखिए, मतलब पूरे भाई प्लेटफॉर्म और ट्रैक्स के ऊपर गंदगी है। आई मीन यार, लग ही नहीं रहा कि स्टेशन के ट्रैक्स वगैरह साफ भी कभी होते होंगे। मतलब निहायत ही गंदगी है यार। क्योंकि शीर्षधारी एक्सप्रेस हमसे पहले गुडूर जंक्शन पे आई थी, तो उसे पहले डिपार्चर मिला, तो उसके कारणवश हमारी ट्रेन को यहाँ 10 मिनट और एक्स्ट्रा रोका गया। सो ट्रेन वैसे यहाँ 7:40 से डिपार्ट होती है, करेंटली हम 7:57 पे यहाँ से डिपार्चर ले रहे हैं। गोरखपुर कोची वाली आरती सागर एक्सप्रेस। रैक स्टैंडर्डाइजेशन ने क्या कर रखा है यार, मतलब स्लीपर कोचेस अब तो देखने को ही रेयर हो चुके हैं। फाइनली आ गया स्लीपर, 4 स्लीपर के साथ चल रही है ये ट्रेन और रश आप देख सकते हैं। स्लीपर घटेगा, जनरल घटेगा तो कैसे चलेगा। तो यहाँ मैंने डिनर को अनबॉक्स कर लिया है। इसके अंदर हमें 3 चपाती दी गई हैं। उसके बाद देखिए, ये है पनीर की सब्ज़ी, मतलब भाई 4-5 दाने पनीर के हैं। साथ में चावल है, इधर लौकी की सब्ज़ी लग रही है, इधर दाल है, और इसके अलावा हमें एक अचार दिया गया है। यहाँ सबसे पहले चावल दाल को टेस्ट कर लेते हैं। दाल का टेस्ट ठीक है,
पर मुझे सीरियसली ना इस पनीर को देख के गुस्सा आ रहा है। गिन के 4-5 ऐसे छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं भाई, मतलब हद है। रोटी और पनीर को टेस्ट करता हूँ और रोटी की आप हालत देख सकते हैं, ऐसी है कुछ, मतलब पेपर है भाई एक तरह से। पनीर एकदम बकवास है, वाहियात। उनके बारे में कुछ बेकार कहा नहीं जाता है, बट ऐसा खाना दे रहे हैं यार ये लोग कि क्या ही बोला जाए। स्किपिंग नेल्लोर रेलवे स्टेशन, किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के सेकंड हॉल्ट, आंध्र प्रदेश के पराक्रम डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ओंगोल के ओंगोल रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन के ऑफिशियल टाइमिंग थी पहुंचने के रात के 9:38। यहां पे गंगा कावेरी एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 40 मिनट की देरी से हमारे यहां पे अराइवल हुआ है। ओंगोल ना सबसे ज़्यादा पता है फेमस अपने ओंगोल कैटल के लिए है, जो कि ना मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कैटल ब्रीड है। जैसे ना आमतौर पर बाकी जितनी कैटल्स होती हैं, कैटल यानी गाय बैल जितनी होती है ना, उनको ना कई तरह की डिजीज हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ अठवा किलनी कहते हैं, मतलब जो गाय को जू लगती है ना, जो जू मतलब लीस लाइस है ना, वो ना गायों को हिंदी में मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है अठवा किलनी। अब इंग्लिश में उसे माउथ डिजीज़, फुट डिजीज़ ऐसा कुछ भी कहते हो, मुझे नहीं पता यार एग्जैक्टली। अब मैं कोई वेटरनरी डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं इतना एग्जैक्टली बता पाऊँ। ओंगोली कैटल होती है ना, उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पता है उनको बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट कैटल माना जाता है। और साथ ही पता है उनके जो बुल होते हैं ना, उनकी तो आपस में यहाँ पर फाइट भी होती है। बस 2 मिनट का हॉल्ट होने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है।
विजयवाड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हमारा अराइवल हो रहा है। विजयवाड़ा कहें या विजयवाड़ा कहें, ये है आंध्र प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर विशाखापट्टनम। विजयवाड़ा इस वक्त करंट कैपिटल अमरावती और आंध्र प्रदेश के थर्ड लार्जेस्ट सिटी यानी गुंटूर, ये तीनों ना एकदम बिल्कुल आसपास है। तकरीबन यहाँ से गुंटूर की डिस्टेंस होगा 30 किलोमीटर का, तकरीबन अमरावती भी 20 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा यहाँ पे। और इन फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है ना कि इन तीनों सिटीज को ना मतलब आपस में मर्ज किया जाए। विजयवाड़ा ना एक काफी पवित्र शहर है, यहीं के इंद्र किलाधारी हिल्स में ना माँ कनक दुर्गा जी का मंदिर है, जो कि ना आंध्र प्रदेश का ही नहीं भारत का वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग टेम्पल है। भारतीय रेलवे यू तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन अगर भारत में बात की जाए ना तो विजयवाड़ा भारत के टॉप 10 सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में आता है। ये दिल्ली चेन्नई हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर सिचुएटेड है। यहाँ से एक लाइन आगे विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम भी चल जाती है, जहाँ से आप आगे भुवनेश्वर के रास्ते हावड़ा की ओर चल जाएंगे। और एक लाइन यहाँ से जिसके ऊपर अभी हम बढ़ने वाले हैं, यानी आगे चल जाएगी वारंगल होते हुए बलहारशा के रास्ते नागपुर होते हुए आगे इटारसी भोपाल। 345 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं, जिसमें स्पेशल ट्रेन को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ जो सीजन में चलती हैं। और तकरीबन 30 से 35 के करीब डेली यहाँ से लोकल मेमूज वगैरह ओरिजिनेट होती है। ये तब है जब यहाँ से ना कई सारी ट्रेनों को बाईपास कर दिया गया है। स्टेशन कोड है BZA, 10 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। यही विजयवाड़ा जंक्शन पर मैंने एक विंकीज का फ्रूट केक ले लिया था, जिसका कॉस्ट हमें 40 रुपीज़ पड़ा, और एक डिप टी ले ली 10 रुपीज़ वाली अपनी, तो इसे टेस्ट कर लेते हैं। और देखते ही देखते हमारा डिपार्चर भी हो चुका है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मैं मोस्टली अब जब रेलवे में रहता हूँ ना तो या तो डिप टी प्रेफर करता हूँ या तो प्रीमिक्स टी प्रेफर करता हूँ। और आप भी अगर रेलवे स्टेशन वगैरह पे रहते हैं ना, मतलब अगर ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं, तो कोशिश करा करिए कि या तो डिप टी लीजिए या तो प्रीमिक्स टी लीजिए, क्योंकि इसमें कम से कम ये रहता है कि हाइजीनिक तो रहती है कम से कम। वरना यार आजकल बीच में कैसी कैसी वीडियोज़ वायरल हुई थी कि यार मैं खुद से देख के दंग रह गया था कि यार कि कैसे कैसे बनाते हैं लोग। हालांकि इस ट्रेन में पेंट्री है, पेंट्री साफ़ सुथरी है, तो जिन ट्रेनों में पेंट्री हो ना उनमें आप भले ही एक बार को पी लीजिए, लेकिन भाई जो वो ऑनबोर्ड पेंट्री वाले होते हैं ना उनमें तो हाथ पैर जोड़ लीजिए, मत पीजिए भाई। चलिए, साउदर्न रेलवे जोन की एक तो अच्छी बात है कि क्लीननेस वगैरह मेंटेन करने के लिए काफ़ी लोगों को दे देते हैं सहूलियत। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई सिर्फ डस्टबिन में ही अपना कूड़ा कचरा फेंका करिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन 450 किलोमीटर हमारी ट्रेन चल चुकी है, स्टिल काफ़ी नीट एंड क्लीन है।